गोकुलदास महाविद्यालय के प्रांगण में अनु पब्लिकेशन की ग्लोबल वैल्यूज और गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में प्रकाशित शोध पत्रिका का जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के कर कमलों द्वारा विमोचन हुआ। शोध पत्रिका की मुख्य संपादिका महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर चारु मेहरोत्रा और संपादिका डॉक्टर शेफाली अग्रवाल है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और प्राचार्य द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके पश्चात प्राचार्य और जर्नल की मुख्य संपादिका प्रोफेसर चारु मेहरोत्रा ने जर्नल के विषय में सभी को अवगत कराते हुए कहा कि जर्नल को प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य शोधार्थियों की सहायता प्रदान करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शोध पत्रों का विशेष महत्व है। आज शोधार्थियों के लिए अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करना अति आवश्यक है। निश्चित रूप से आज के एक बेहतर प्रयास होंगे, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स लोग जो लिखते हैं निश्चित रूप से उनको उस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, उनको नॉलेज होता है, और जब हम पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें उसमें से हम ग्रहण कर लेते हैं जो हमारे लाइफ में आगे तक काम आता है। तो मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि इस कॉलेज के जो हमारा इतिहास रहा है। साथ ही सभी प्रवक्ताओं के लिए अपने प्रमोशन के लिए रिसर्च पेपर का पब्लिश होना जरूरी है, इसलिए महाविद्यालय की ओर से ये जर्नल प्रकाशित कराया गया। साथ वही जिलाधिकारी ने महाविद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि महाविद्यालय द्वारा इस तरह की पहल करके शोध क्षेत्र में अति उत्तम कार्य किया गया है। पर्यावरण से संबंधित सामाजिक आर्थिक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक समस्याएं सामने आ रही है, इस विषय पर शोध पत्र एकत्र करके उनका प्रकाशन कराना पर्यावरण के क्षेत्र में भी अपना एक बड़ा योगदान देना है। उस लेखन से पहले काफी मेहनत करता है। जब हम एक लेयर पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि 100-150-200 वर्ड्स का एक कुछ है, उससे अधिक कुछ नहीं है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, उसके बाद वो स्वरूप मिल पाता है। आप लोगों ने सुना होगा एक कहानी कि एक बड़े पेंटर थे, तो किसी ने पूछा कि भाई हमारी पेंटिंग बनाने का कितना लोगे, तो उसने बहुत लंबा अमाउंट उसका बता दिया। तो उसने कहा कितना समय लगेगा, तो उसने कहा 10 मिनट लगेगा लगभग। कहा 10 मिनट का और इतना पैसा, तो उसने कहा नहीं 10 मिनट का पैसा नहीं ले रहा हूँ, इसको बनाने में मैंने पिछले अपने 70 साल बर्बाद किए हैं, 70 साल की जो हमारी मेहनत है उसका पैसा ले रहे हैं, न कि अपने 10 मिनट का ले रहे हैं। तो जो भी जर्नल में पब्लिश आपके होते हैं उसी तरह के आर्टिकल होते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से रिलेटेड इसमें काफ़ी आर्टिकल देखने को मुझे मिले हैं, जिन्हें अभी पढ़ नहीं पाया हूँ लेकिन देखने को मिल रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि आज के समय में, आज के समाज में इन्वायरमेंट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इशू हो गया है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास को पलट कर देखें तो 1900 के आसपास जब मशीनरी का ईजाद हुआ, ट्रैक्टर आदि का ईजाद हुआ, तो यूएसए में बड़े पैमाने पर व्हीट की खेती करने के लिए जंगलों को लोगों ने काट डाला मशीनों से, और बड़े पैमाने पर व्हीट की खेती करी। उसका नतीजा क्या रहा कि लगभग 1915 के आसपास वहाँ भयंकर तूफान आया और तमाम जनहानि हुई, जिसके बाद फिर उन लोगों ने वृक्षारोपण इस सब पर ध्यान देना शुरू किया। 1915 के आसपास की बात है। इसी तरह हम यूके की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो 1940 के आसपास जब चर्चिल वहाँ प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो जो स्मोक की बात आज हम लोग करते हैं, 1940 के आसपास लंदन में इसी तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हुई थी। और कई साथ ही कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्रोफेसर अंजना दास, प्रोफेसर कविता भटनागर, प्रोफेसर अंशु सरीन आदि मौजूद रहे।